दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर के नए टॉपिक की, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे, आर्किटेक्चर जानेंगे यहाँ पर, और भी कुछ चीजें यहाँ पर MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे, जो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो लेसन को देखते हैं तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब बनाया गया, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली फैक्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। या फिर पूछा जाएगा कि जैसे जो परम है ये भारत का सुपर कंप्यूटर है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा आपको डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो उन्हीं डेटा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। सिस्टम के बारे में जितने यहां पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे यहां पर लिखा रहा है कि इनपुट, इसके बाद में लिखा है स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर हमारे पास जो मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक आपका इनपुट है, एक आपका ये आउटपुट है, उसके बाद में स्टोरेज है आपका, ठीक है, और फिर आपका CPU है, जिसके अंदर दो चीजें होंगी, एक कंट्रोल यूनिट CU और एक आपका होगा ALU। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों की हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो इनपुट है इसका बेसिक काम क्या होता है। इसका बेसिक काम होता है कि इनपुट लेना और स्टोरेज को भेजना। ठीक है, इसके बाद में आप ये देख लो, जो ये आउटपुट यूनिट है इसका काम क्या है, रिजल्ट को डिस्प्ले करना। ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड यहां पर बता दे रहा हूं। और जो कंट्रोल यूनिट है ये आपका एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ठीक है, ये आपका सबसे कनेक्टेड है, इनपुट से भी देखो ये कनेक्टेड है, आउटपुट से भी कनेक्टेड है, और ये यहां पर जाकर स्टोरेज से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है, इसको बड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जितने भी आपने देखा है कि जो कैलकुलेशन यूनिट है वो किसमें है, वो हमारी जैसे जो डेटा स्टोरेज से लेगा और रिजल्ट भी जो है डेटा स्टोरेज को ये दिखाएगा। ठीक है, तो अभी हम और भी कुछ चीजें यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनपुट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इनपुट बेसिकली है क्या। ओके, इनपुट का मेन क्या काम होता है कि एक इंटरफेस है, किसके बीच में, यूजर और मशीन के बीच में, कंप्यूटर मशीन की बात हो रही है, जिसमें कोई भी इनपुट डेटा ले रहे हो या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करो, उसकी बात इनपुट के द्वारा होती है। फिर क्या करता है, अब जैसे ये इंटरफेस हो गया एक काम इसका, दूसरा क्या है, कन्वर्ट करता है, फिर ये सप्लाई करता है। कन्वर्ट क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर पाए कंप्यूटर की एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, फिर क्या करता है, सप्लाई करता है जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं और डेटा है उसको कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जिससे कि आगे की प्रोसेसिंग आपकी हो सके। ठीक है, इनपुट के बाद अब आप ये देख लो स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज की अगर बात करी जाए तो स्टोरेज में आपने देखा कि कोई भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है उससे पहले जो डेटा है वो जो है स्टोरेज सिस्टम के पास में होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि CPU जो है बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, CPU बहुत फास्ट वर्क करता है, तो इसलिए उसको जो भी डेटा वगैरह की जरूरत होगी वो स्टोरेज यूनिट से वो इजिली पिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने मेंशन भी कर रखा है, इट इज बिकॉज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सो फास्ट, ठीक है, दैट द डेटा हैज टू बी प्रोवाइडेड टू CPU विद द सेम स्पीड। इस वजह से क्या है, अब देखो एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपका CPU है, ठीक है, आप देखो ये स्टोरेज यूनिट है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट, अभी यहां पर आपका डेटा है, तो ये इसने क्या करा, डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज यूनिट से उठाया और उसको प्रोसेस करने के बाद फिर से यहीं पर भेज दिया। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर होती है, देयरफॉर द डेटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट फॉर फास्टर एक्सेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ठीक है, आगे आप देखो और भी चीजें स्टोरेज यूनिट में, हमने ये भी देख रहे हैं कि जो मेजर फंक्शंस क्या है, कि प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद जो डेटा इंस्ट्रक्शंस है वो कहां पर स्टोर्ड है, इसी स्टोरेज यूनिट में, और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं वो भी आपके स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को मैंने आपको बताया था, जैसे आप कोई भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा 238 × 3, ये आपने सॉल्व किया, प्लस 145 / 5, ये है, तो आपने देखा ये फर्दर जो कैलकुलेशन हुई ये आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट आया, ये स्टोरेज यूनिट में सॉल्व हुआ, ये आपका आया इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, तो हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपके कहां पर, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं और ये भी स्टोर्ड कहां पर होते हैं, स्टोरेज यूनिट में। अब अगर प्रोसेसिंग की बात की जाए तो प्रोसेसिंग में क्या है कि जो भी आपने देखा कि कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दो नंबर का एडिशन हो रहा है, या फिर मैंने कहा कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग टास्क यहां पर हो रहा है। अब इसमें एक चीज आप ये देख लो कि जो प्रोसेसिंग के लिए
क्या होता है, सीपीयू जो डेटा लेता है वो कहाँ से लेता है, स्टोरेज यूनिट से लेता है, ये चीज़ हमने ग्राफ में भी बताई थी। और फिर जो कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसको फिर से वहीं पर भेज देता है, और जो है यही चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि प्रोसेसिंग होने के बाद में कैलकुलेशन जो हुई एंड सेंड बैक टू द स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? देखो जो ब्रीफ चीज़ें हैं वो केवल समझ लो, बाकी थ्योरी पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है, केवल हमें इतना देखना है कि इनपुट कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, स्टोरेज का क्या रोल है, कैसे डेटा आपका आ रहा है जा रहा है, ये चीज़ें अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं। ठीक है, आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखो इनपुट में क्या था कि यूजर से डेटा लिया और उसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, ठीक है, फिर जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग हुई। आउटपुट में क्या है कि ये जो भी कंप्यूटर ने रिजल्ट को बनाया उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या है कि उसको फिर से, क्योंकि हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते, फिर उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल मतलब कि रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर हमको वो रिजल्ट दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो आउटपुट का कुछ ऐसा काम है। ऑपरेशनल यूनिट जो अभी हमने आपको ग्राफ बताया था यहाँ पर, तो इसमें हम लोग क्या है अभी CU, ALU इनको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखो ऑपरेशनल यूनिट में क्या है, तीन चीज़ें आप देख लो, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक एक करके इनको भी यहाँ पर हम डिकोड करते हैं। ALU की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लिए ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि जो प्रोसेसिंग हो रही है डेटा और इंस्ट्रक्शंस की वो किसके द्वारा होती है, वो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। ठीक है, अब इसके मेजर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, लॉजिक और कंपैरिजन। अब जैसे कंपैरिजन में मैंने आपको बता दिया कि दो कोई वैल्यूज है उनके बीच में कौन सी वैल्यू बड़ी छोटी है, ठीक है, या फिर और अदर जो कंपैरिजन वाले ऑपरेटर होते हैं वो यूज होना, तो वो भी इसी का ही पार्ट होता है। प्रोसेसिंग के बाद में फिर से रिटर्न किसको कर दिया जाएगा, स्टोरेज यूनिट को, ये अभी हम बार बार पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंट्रोल यूनिट एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइजर की तरह काम करता है, इसका जो कंट्रोल होता है वो सारी चीजों के ऊपर रहता है। ठीक है, और ये सिक्वेंस को डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपका और प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, देयरफोर इट इज द मैनेजर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, इतना आ गया। आगे आप देखो सीपीयू के बारे में, सीपीयू से क्वेश्चन आपका ये पूछा था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर दैट मींस सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ही हम कहते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या है, ALU और CU होते हैं, ये अभी हमने देखा, और दोनों को मिलाकर ज्वाइंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर ये देख लो, जो मेजर डिसीजंस होते हैं, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है तो जो मेजर डिसीजंस होंगे वो यही लेगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद एक इसका फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है कि जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है इनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, जो या फिर कोई प्रोग्राम। ओके, तो ये चीज आप याद रख लो यहां पर, द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ CPUs टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जो एनालॉग शब्द है ये कहां से आया, ये आया एनालॉगस से। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। बेसिकली हम ये देखें कि जो कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल क्वांटिटीज है इनके साथ ये डील करता है। ओके, और ये आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। अगर आपसे पूछा है कि एक्यूरेट रिजल्ट, तो हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। ठीक है, तो एनालॉग की अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको रिजल्ट देता है। और जो भी बेसिकली ये डील करता है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटिटीज के साथ भी, जिसमें क्या है कि कुछ ऐसी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं जो समय के साथ चेंज हो रही हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले आप एक चीज ये देख लें कि जो एनालॉग है, ठीक है, ये क्या है कि ग्राफ्स की फॉर्मेट में आप कुछ चीजें आउटपुट देखते हैं। जैसे कहीं पर आपने देखा कि कहीं पर कुछ स्नेको ग्राफ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से दिखती हैं, वो इस एनालॉग कंप्यूटर के जरिए ही दिख पाती हैं। अब इसके कुछ एक चीज़ और है कि ये स्लो होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है कंपेरेटिवली ये स्लो है, और बोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, ये इसके जो है एग्जाम्पल्स हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पज से इसका यूज़ होता है।
ओके आगे आप आ जाओ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में हम एक चीज आपको देखो, दोनों में एक चीज बता दूं, एनालॉग में आप ये देख लो कि इस तरीके से आपका जो मेजरमेंट है वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, मतलब कि समय के साथ टाइमली। और जो आपका डिजिटल है उसमें क्या है कि 0 1, ठीक है, 0 और 1 इस तरीके से चलता है। तो हमें यहां पर एक चीज ये देखनी है कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि एज्यूम करता है केवल दो वैल्यूज को, 0 और 1, मतलब कि ऑन और ऑफ, ठीक है। मतलब आपने देखा ना कि या तो लाइट ऑन होगी या तो लाइट ऑफ होगी, मतलब कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन किसमें, काउंटिंग में, ठीक है। और जो डिस्क्रीट सेपरेट और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनके लिए बेसिकली इसका हम यूज करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर जो है ये दोनों डेटा प्रोसेसिंग और एक्यूरेसी, ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एक्यूरेटली आपको डेटा मिल जाता है। अगर मैं थर्मोमीटर की बात करूं तो आपने देखा एक डिजिटल थर्मोमीटर है वो आपको एग्जैक्ट बता देगा 91.3 या फिर आपको बता रहा है कि 103.2। अब अगर आप एनालॉग की बात करोगे तो उसमें आप अप्रोक्सीमेटली मेजरिंग क्वांटिटीज इस तरीके से होती है। ओके एक पॉइंट यहां पर ये कह रहा है कि जो बेसिक परफॉर्मेंस, इसका बेसिक ऑपरेशन क्या है, वो करना क्या है, कंप्यूटर एडिशन, इसी से बहुत सारी चीजें आपकी बन जाती हैं। ओके और यहां पर हम क्या करेंगे कि ये आपका जो सम है, एडिशन है, उसको ये एक्युमुलेट करता है और सिंगल कैलकुलेशन जैसे नैनो सेकेंड वगैरह उसमें ये हो जाती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसका कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल प्रोसेसिंग में इसका यूज हो रहा है, इजी टू डिजाइन, एक्यूरेट है, ठीक है, सिंपल ऑपरेशंस हैं, डेटा इजी, डेटा स्टोरेज है। तो ये सारी चीजें डिजिटल कंप्यूटर्स में आती हैं। ये केवल केवल आपको एक आइडिया लेने के लिए ये थ्योरी पोर्शन है, क्योंकि आपको अगर जैसे 0 1 का कंसेप्ट पता है तो आप वहां पर बता दोगे कि डिजिटल या एनालॉग, तो आप तुरंत चूज कर लोगे डिजिटल कंप्यूटर। इसलिए ये थ्योरी पोर्शन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर दोस्तों बात करूं तो देखो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये दोनों को मिलाकर है, मतलब एनालॉग और डिजिटल को। तो देखो एनालॉग कंप्यूटर से इसने क्या पिक किया, जो मेजरिंग कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, ये एनालॉग से आई। और डिजिटल कंप्यूटर से क्या आया कि लॉजिकल एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो मेन क्या है कि हाइब्रिड जो है वो इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों को मिलाकर यूज करा है। ओके अब इसका भी यूज क्या है, साइंस, देखो वेरियस, ये जो मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूं, ये जैसे आपने वेदर फॉरकास्टिंग देखे कहीं पर, अगर मौसम की जानकारी है, ठीक है, और भी चीजें हैं, ठीक है, तो उनको ये सब चीजें जैसे कहीं पर आपने देखा है कि वेव्स आ रहे हैं, हाई टाइड्स आ रहे हैं, या फिर जो है हमें और भी चीजें देखनी है, तो वो इसी फील्ड में मेन इसका यूज होता है। ओके तो हम यहाँ पर ये जानेंगे साइंस और वेरियस एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग, वहां पर इसका मेन यूज है। ओके और कुछ जो हाइब्रिड मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो एनालॉग को डिजिटल में कर देते हैं और डिजिटल को एनालॉग में कर देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट, ये चीज। और इसके अगर एरिया ऑफ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो पावर प्लांट्स में, माइंस में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, आईसीयूज में, और कुछ ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं वहां पर इनका यूज होता है, ठीक है। आगे आप देखो सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, डिजिटल कंप्यूटर्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो सुपर कंप्यूटर्स के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव होता है प्राइस के मामले में और स्पेस वाइज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और लेकिन ये बहुत फास्टेस्ट मशीन्स हैं जो आजकल ये यूज़ हो रहा है, जिसमें हमें बिलियंस और इवन ट्रिलियंस की कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम एक यही चीज मानेंगे कि ये हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव परफॉर्मेंस के लिए यूज हम इसको करते हैं, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर है, जैसे कुछ एप्लीकेशन एरियाज, जैसे कि फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स टू एक्यूरेट वेदर, वहां पर इनका यूज हो रहा है, फोरकास्टिंग और ये मॉलिकुलर मॉडलिंग, क्लाइमेट रिसर्च, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, तो इसमें इनके एप्लीकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस तरीके के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनका यूज हो रहा है। ओके अब अगर आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, तो आप बताओगे परम, PARM, परम सुपर कंप्यूटर। ये कब बनाया गया था, 1991 में। किसने बनाया था, सीडेक ने। सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपका है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, तो इसको हम कहेंगे क्रेवन, ठीक है, जिसको कब बनाया गया, 1976 में। किसने बनाया, ये क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया। यहां से देखो 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब आप थोड़ा सा और आगे देखो, अदर एग्जांपल्स क्या क्या, जैसे IBM ब्लू गेन,
एल, आईबीएम, रोड डिनर, ठीक है, क्रे जगुआर, ये जो है कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। देखो हर जगह तो ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाए, कहीं कहीं पर जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका मेन एरियाज में यूज़ हो रहा है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है ये और भी बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे आपने देखा कि एक अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, ठीक है, जैसे आपने देखा कि एक जो अल्ट्रासाउंड बेसिस मशीन्स हैं, ठीक है, और भी कुछ हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है। ओके, तो मेन फ्रेम क्या है, ये भी यूज़ है, मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं जिनका मेन डिज़ाइन क्यों किया गया है कि जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये जो है इस डेटा को प्रोसेस और एक्सेस कर सके, ठीक है। और जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, कंपनीज में, तो वहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है। अब आप ये की बात ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर मैं कहूँ रेलवे की, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर को नहीं इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर आपका मेन फ्रेम होगा, ठीक है, उसके थ्रू भी आपका मिलियंस ऑफ यूज़र का डेटा और ये इंस्ट्रक्शंस जो है वहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अब मेन फ्रेम में क्या होता है कि ये लार्ज इन्फॉर्मेशन को बेसिकली क्या एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर इंस्टॉल करता है और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। मतलब हम ये कहेंगे मेन फ्रेम अलाउज इट्स यूजर टू मेंटेन लार्ज इन्फॉर्मेशन एट अ सेंट्रलाइज लोकेशन, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को मैंने रख दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जो कंप्यूटर्स इंस्टॉल नहीं, ये इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सेस और प्रोसेस करेंगे इस डेटा को, ओके। और मेन फ्रेम इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन कैपेबिलिटी एंड साइज ऑफ कंप्यूटर फैमिली। अगर फर्स्ट की बात की जाएगी तो सुपर कंप्यूटर, सेकेंड की हम बात करें तो ये मेन फ्रेम। अब आ जाओ मिनी कंप्यूटर के पास। मिनी कंप्यूटर क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे अब हम कंप्यूटर की जनरेशन को आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो अब हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करें। 1960 में मैन्युफैक्चरर्स ने इसको बनाया। इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिमांड आ रही है, तो उसके साइज में, उसके साइज और भी चीज़ों को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो सिमिलर स्टैंड अलोन एक मशीन है जिसको हम अभी मिनी कंप्यूटर कह रहे हैं। ये क्या करेगी, लार्ज कंप्यूटर्स का डेटा, ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो लार्ज कंप्यूटर्स होते थे वो क्या इकोनॉमिकली थोड़े हाई थे, लेकिन आपने देखा कि जो मिनी कंप्यूटर आया ये एक अपने आप में ही एक स्टैंड अलोन मशीन है। वैसे हम इसको बहुत सारी मशीनों के साथ कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये केवल देख रहे हैं कि मिनी कंप्यूटर एक सिमिलर स्टैंड अलोन मशीन है जिसके अंदर इकोनॉमिकली जो काम पहले जो बड़े कंप्यूटर्स कर रहे थे वो काम अब यहां पर भी हो जा रहा है, लेकिन इसका लेबल जो है, एप्लीकेशन एरिया है, वो थोड़ा सा कम है, ओके। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क दैट लार्ज कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म इकोनॉमिकली, तो उसके लिए मिनी कंप्यूटर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम वर्क स्टेशन की बात कर लेते हैं। वर्क स्टेशन का अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जैसे कि कैड कैम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कुछ अदर टाइप के एप्लीकेशन एरियाज में इनका हम यूज़ करते हैं, ओके। अब जैसे मैं कहूँ कि जहाँ कहीं पर अगर हाईली ग्राफिक्स की ज़रूरत हो तो वहाँ पर वर्क स्टेशन की बात होगी, क्योंकि ये जो बेसिकली किसके साथ आता है, लार्ज रैम के साथ में, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें इनबिल्ट सपोर्ट में होती हैं, ओके। आप एक पॉइंट यहाँ पर ये देख लो कि जैसे कि यूनिक्स है, विंडोज़, एंटीज हैं, ये हमारे कुछ वर्क स्टेशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट में और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वर्क स्टेशन आर सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स लाइक पीसी, लेकिन ये टिपिकली जो है लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में लिंक हो जाते हैं, ओके, और स्टैंड अलोन सिस्टम्स की तरह भी ये काम कर रहे हैं, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स हैं, ओके। आगे आपको एक चीज़ ये देखनी होगी कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये बेसिकली क्या है, ये अगर आजकल की बात की जाए तो स्मॉल, रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़र, जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये बेसिक कंप्यूटर्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर पीसीज, ठीक है। उसमें क्या है कि सब कुछ है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आपको सीपीयू एक ही चिप में मिल रहा है। अगर हम धीरे धीरे हमने बढ़ना स्टार्ट किया सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम, अभी देखा आपने कि जो पर्सनल कंप्यूटर पीसीज हैं इसके अंदर आपको वन टच सब कुछ एक बार में ही मिल रहा है। इनका मेन यूज़ क्या है, जैसे बिजनेस और पर्सनल यूज़ में भी हो रहा है, आपने देखा वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, रनिंग स्प्रेडशीट जिस पर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क वगैरह करते हैं, या फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके यूजेस में आ जाएगा, ठीक है, बिजनेस और पर्सनल यूज़ में। अगर हम घर की बात करें तो हम लोग प्लेइंग गेम्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, आप कोई अपना रिज्यूमे वगैरह भी बनाते हो, इंटरनेट सर्फिंग करते हो, वहाँ पर इसके यूजेज हैं, ठीक है।
हाउएवर ऑल्दो पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजाइंड एज अ सिंगल यूजर सिस्टम के तौर पर इनको डिजाइन किया, लेकिन फिर भी ये एज अ नेटवर्क की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू एक कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर उससे कई सारे कंप्यूटर में, ठीक है। अभी ये चीज़ जब मैं आपको टॉपोलॉजीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा कि सीरियल बस क्या कैसे काम करता है, ठीक है, मैश टॉपोलॉजी कैसे काम करती है, तो उसमें इसके और भी बड़े लेवल्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना देख लो कि जो आपके नॉर्मल पीसीज होते हैं इनको नेटवर्क के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, जैसे डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पॉमटॉप और पीडीए। पीडीए का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पीडीए। कई बार क्लरिकल का अगर एग्जाम है तो उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, ठीक है। अब एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यू होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन मैं वहीं पर आपको बता दूंगा, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपको इस थ्योरी से मिल पाएंगे, ठीक है। पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। इसमें लिखा है एनालॉग कंप्यूटर जो है बेसिकली ये क्या है, अ मशीन विच वर्क्स ऑन अ डेटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल, एन अर्थमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज, कम्युनिकेटेबल एट अ लो लेवल, ऑल दिस नन ऑफ दिस। तो हमने आपको बताया था कि एनालॉग में क्या है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेजरमेंट के लिए था, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेबल। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, अ मशीन विच वर्क्स ऑन अ डेटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी देखी थी एनालॉग में। लेकिन आप एक चीज ये ध्यान रख लें कि अगर डिजिटल की बात की जाए तो वहां पर डिस्क्रीट था, ठीक है, एक्यूरेट के लिए, ठीक है, एक्यूरेट। नेक्स्ट जो है, अगर आपसे पूछा है कि सुपर कंप्यूटर वो क्या है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर इज इट प्रोसेस डेटा ऑफ मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, इट इज अ फास्ट एंड कॉस्टली कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तीनों बातें सुपर कंप्यूटर में होती हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात करी थी, फास्ट है, कॉस्टली भी है, ठीक है, और ये ट्रिलियंस बिलियंस में डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे आप देखो कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर वो क्या है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लो, हाई, नन ऑफ दीज। तो कभी भी अगर आपसे पूछा है कि कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर क्या है, वो आपकी लिमिटेड है। अब लिमिटेड कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में 500 जीबी की अगर हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो आप ये देख लो कि इसमें आप 600 जीबी डेटा नहीं डाल पाओगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटी जो है कंप्यूटर की वो लिमिटेड है। ये पहले से जैसे 1 TB हो गई, ठीक है, 2 TB, तो इस तरीके से क्या है, लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। आगे आप देख लो नेक्स्ट क्या है, मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम बस डेवलप बाय। ये क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। इसमें पूछा रहा है कि मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था, वो किसने बनाया था। तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, ये बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था। ओके, बेल लेबोरेटरीज ने बनाया था। अगर हम थोड़ी सी और डिटेल की बात करें तो मल्टीक्स इज अ इन्फ्लुएंशियल अर्ली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है बेस्ड अराउंड द कंसेप्ट ऑफ सिंगल लेवल मेमोरी। आपको ये देखना है कि कब रिलीज हुआ था, 1969 में, और ये बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। ओके, और रिटन इन जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कब बनाया गया, 1976 में। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका, क्रे बन, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में कब डेवलप्ड हुआ, ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया था, क्या नाम है उसका, उसका नाम है परम, ठीक है, जो सीडेक ने बनाया। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की अगर बात कराएं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग की, तो जिन्होंने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, ठीक है, तो उन्हीं की बात होगी। और ये इनका नाम आप यहां पर नोट कर लें, सैम्योर क्रे, ठीक है, ये आपसे पूछा यहां पर जा सकता है। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया कि डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, ये किस थ्योरी पर वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं हमेशा कैलकुलेशन की थ्योरी पर। और अगर एनालॉग की बात की जाए, एनालॉग अगर यहाँ पर होता कि एनालॉग कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, तो आपका क्या हो जाता, ये हो जाता मेजरमेंट, ठीक है, तभी हमें जो कैलकुलेट जो एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, कैलकुलेशन पर वर्क कर रहा है डिजिटल इस वजह से, और एनालॉग में अप्रॉक्स मिल रहा था क्योंकि मेजरमेंट पर वर्क कर रहा है। ओके, आगे आप देख लो यहां पर, इसमें कहा गया है द सुपर कंप्यूटर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर जो है अदर कंप्यूटर की तुलना में कैसे आप उसको डिस्टिंग्विश करोगे, कॉस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एयर कंडीशंस, ठीक है,
लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर, सबसे जो मेन फैक्टर है ना वो ये वाला होगा, ये मोस्ट सुटेबल आपका आंसर होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं अदर कंप्यूटर्स की बात करूँ तो जो कैलकुलेशन की मेन, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस डेटा जो है इस इतने इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर रहा है, और यही वजह है सुपर कंप्यूटर की मेन चीज़ की। ठीक है, कॉस्ट तो इसकी हाई कॉस्ट है ही, ओके, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनेगा, लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेटिंग पावर। ठीक है, इसकी वजह से ही हम अदर कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर को डिस्टिंग्यूश डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि मॉडर्न, क्वेश्चन है आपका, अब मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, जो आजकल के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर ये क्या यूज़ करते हैं, ये केवल बाइनरी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, जीरो और वन इसी में ही सारा काम होता है, तो बाइनरी जीरो वन में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि परम जो है वो डेवलप्ड किसके द्वारा होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, सीडेक, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पता है तो आप बता दोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि कहां पर ये बना। ओके, आगे आप देख लो क्रे, क्रे क्या है, ये आपका एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था अभी। यहां पर अब आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले आपका आएगा नोटबुक, इसके बाद आपका आएगा लैपटॉप, फिर आपका आएगा डेस्कटॉप, और फिर उसके बाद डेस्कटॉप के बाद आपका क्या आएगा, वर्क स्टेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोटबुक। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच डिवाइस यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, अभी हमने आपको ये बताया। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का वो कौन सा पार्ट, विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था, सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक आपको क्या था, एक था ALU, एक क्या था CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ऑफ सीपीयू जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली क्या है, आप चूज करोगे कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ALU क्या था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, लॉजिकल करना, तो वो इसमें था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 16 क्या पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। अब यहां पर बात आ रही है कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले इनपुट, फिर क्या आपका आएगा प्रोसेसिंग, फिर क्या आएगा आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो यही आपका ऑर्डर बनता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यहां पर पूछ रहा है कंपैरिजन करना वो क्या है, कंपैरिजन इज अरिथमेटिक फंक्शन ऑफ ALU, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ALU, ऑल नन ऑफ दीज। तो यहां पर होगा लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है, तो ये क्या है, ये आपका लॉजिकली, ठीक है, जो कंपैरिजन मैंने बताया था कि कुछ कंपैरिजन चीज़ें हैं, जैसे ये ऑपरेटर हो गया ग्रेटर हो गया, ये ऑपरेटर हो गए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल हो गया, लेस देन इक्वल हो गया, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये आपके कंपैरिजन के लिए होते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन जो है वो ALU का, वो इनसे डील करता है। अरिथमेटिक क्या है, ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये आपका अरिथमेटिक फंक्शन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ, यहाँ पर ऑप्शंस आपका, क्वेश्चन पहले आप समझो ढंग से, इसमें कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे हमने सीपीयू की बात की थी वही चीज यहाँ पर है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या है, माइक्रोचिप है। ठीक है, माइक्रोचिप आपका ये आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा है कि छोटी चिप आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड होती है, यहाँ पर बात यही की जा रही है, ये माइक्रोचिप की बात की जा रही है माइक्रो प्रोसेसर से, तो यहाँ पर आपका यही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। ओके, बाकी को आप छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मेन जॉब ऑफ सीपीयू, जो सीपीयू का मेन काम क्या होता है, अभी आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर क्या क्या है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, फिर यहाँ पर कह रहा है प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन बोथ ए एंड सी। तो अगर मैं कहूँ कि मेन जॉब जो है सीपीयू की वो ये तो है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली है, स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, ये तो स्टोरेज वाला काम है। ठीक है, ये मेन काम जो है सीपीयू का नहीं है,
इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल काम होता है। तो ए बी हो रहा है और सी बी हो रहा है, तो ऑप्शन क्या है, डी आप लगाओगे, ए एंड सी बोथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज की बात करूं तो वहां पर मैं स्टोरेज यूनिट की बात करूंगा, ठीक है। यहां पर आपसे बात हो रही है सीपीयू की, तो किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली ये दोनों काम सीपीयू के होते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ 21 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें क्या क्या कहा गया है, व्हेन स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट रेफर्स टू, जब हम बात करें कंप्यूटर इनपुट की और कंप्यूटर आउटपुट की, तो इनपुट जो है वो किसको रेफर करता है, अभी जितनी मैंने डिटेल बताई वो सारी आपको यहां पर आएगी। पहला ऑप्शन कह रहा है एनी डेटा प्रोसेसिंग, देखो यहां पर डेटा प्रोसेसिंग की बात आ रही है, तो इनपुट जो है वो डेटा प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहा था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है रिट्रीवल ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो रिट्रीवल की भी बात नहीं होगी जब हम इनपुट की बात करेंगे, रिट्रीवल का कोई रोल नहीं यहाँ पर। फिर ऑप्शन सी कह रहा है डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, ऑब्वियसली आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करें, कोई भी जो डेटा आपका एंटर्ड हो रहा है वो क्या है, एज अ इनपुट है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ लो, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपने जो डेटा एंटर किया उसको मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, चेंज करके कंप्यूटर की रीडेबल में फॉर्मेट करके आगे प्रोसेसिंग को भेजना, ये भी किसका है, इनपुट के पास था। तो हम यहां पर ऑप्शन डी भी आपका है, तो देखो सी और डी बोथ, तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहां पर मैच करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे आप देखो विच कैन रीड डेटा एंड कन्वर्ट देम टू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी यहाँ पर ऑप्शंस है जो कि रीड डेटा को कर सकता है और कन्वर्ट देम टू फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन यूज, ठीक है, मतलब मशीन लैंग्वेज में भेजने वाला काम, तो वो किसके पास था, इनपुट डिवाइस, ये चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यूजर ने डेटा लिया वो इनपुट के द्वारा, अब उस जो यूजर के द्वारा इनपुट डेटा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जिसको कंप्यूटर समझ पाए वो काम इनपुट डिवाइस के पास, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग, मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग का मतलब है कि जैसे आदमी सोचता है उसकी तरह कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस आपका बेस्ट यहाँ पर माना जाएगा। तो देखो जब मैंने आपको पार्ट नंबर टू क्लास टू कराई थी उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, आप क्या करते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कंप्यूटर के सामने बोलते हो स्पीच रिकॉग्निशन, तो कंप्यूटर आपकी चीज़ को समझ रहा है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू है, ये हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो अगर ह्यूमन थिंकिंग की मिमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। 24 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, इसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, कंप्यूटर ऑल्सो रेफर्ड एज अ लैपटॉप इज अ स्मॉल लाइटवेट पर्सनल कंप्यूटर दैट इनकॉर्पोरेट द स्क्रीन कीबोर्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग कंपोनेंट इनटू अ सिंगल पोर्टेबल यूनिट, तो इसको हम क्या कहेंगे, नोटबुक कहेंगे। बाकी ऑप्शन जनरल डायरी ब्रीफ केस ये तो कुछ नहीं होंगे, ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोटबुक जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये फीचर्स या फिर उसमें कंपोनेंट होते हैं वो चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम की, ठीक है। इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में कन्वर्जन समझेंगे कि बाइनरी से अलग कैसे करना है, बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, एडिशन कैसे बाइनरी में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। क्लास नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना, और इसके बचे हुए पार्ट आप नीचे आकर देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1, 2, 3 ये थर्ड पार्ट है, इसके बाद फोर्थ आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्दी ये पार्ट दे दूं। आपके एग्जाम्स पास हैं लेकिन मैं पहले वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम से एक दिन पहले भी आप हमारी वीडियोस को जरूर देखकर जाना, क्योंकि हम लोग केवल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस थ्योरी को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेशन थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि आपको जो है और भी चीज़ें, मैं वहाँ पर डिस्कशन जब एमसीक्यू कर रहा हूँ तब उनका रेफरेंस दे देता हूँ, तो आप इसके लिए इनको नोट्स तरीके से भी नोट कर लें, ठीक है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, दोस्तों आप सभी का सहयोग जरूरी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब आपके पास आए तो उसका इंटीमेशन आपको मिल जाए अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत हैव अ गुड डे।